साथ मणिपुर की गवर्नर पहली बार किसी न्यूज चैनल के ऊपर आ रही हैं और मैं सीधा उनके साथ बात कर सकता हूं। अनुसुईया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। मैडम, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं और मेरा पहला सवाल यह है कि मणिपुर में ये जो घटना हुई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, लेकिन ये घटना पुरानी है, क्या आपको लगता है प्रशासन ने लचर रवैया अपनाया है? आइए। ये मुझे कल ही इसका जो वायरल वीडियो हुआ था और किस तरह से हमारी मणिपुर की दो बहनों के साथ जो निवस्त्र करके उनको घुमाया गया और सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया गया, ये बहुत ही एक प्रकार से ऐसी शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है जिससे मैं बहुत दुखी हूँ और सही मायने में मेरा मन बहुत व्यथित भी है कि किस तरह से हमारा जो मणिपुर स्टेट है, इतना मतलब यहाँ की कला, इनकी संस्कृति, यहाँ का खूबसूरत और यहाँ के लोग भी बड़े सद्भावना से रहते हैं सारा कुछ, और ये जो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी घटना मणिपुर में हो सकती है, लेकिन ये जानकर वास्तव में सभी को दुख हुआ है कि आज 4 तारीख 4 मई की ये घटना और 18 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई और इतने दिनों के बाद पता नहीं क्यों पुलिस ने इस बात की संज्ञान क्यों नहीं लिया। इस बात को मैंने डीजीपी को आज बुलाया था और पूरी रिपोर्ट जानकारी लिया कि अभी तक इस पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई, और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वायरल हुआ और इसके बाद ही उन्होंने इस रिपोर्ट के बाद शुरू किया, उन्होंने सर्च ऑपरेशन और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया, और मैंने कहा कि जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस FIR पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। और दूसरी बात है तो वहां पर जो घटना हुई थी, खुद पुलिस के द्वारा उस दोनों बहनों को वो लोगों के द्वारा लाया गया था, थाने ले जा रहे थे, उनके अंदर भीड़ ने उनको वहां से छीन कर और उनके सामने ये घटना का अंजाम दिया। ये बहुत दुखद है, मैं इसकी बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लेकिन आप चाहे कोई भी हो, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई भी बहन हो इस देश की, उसके साथ अगर इस तरह का दर्दनाक सी जो हादसा हो सार्वजनिक तौर पर, उसकी मानसिक स्थिति देखिए क्या गुजर रही होगी, कितने दिन हो गए हैं। और इस पर निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि हमारे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, इसमें बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए और जो भी हो सकता है इस समय प्रदेश में गवर्नर गवर्नर